नमस्कार, व्यापार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दालों की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। दाल को आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए सरकार ने इस साल करीब 6.5 लाख टन दाल का आयात किया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा आयात है। भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते घाटे में जोरदार गिरावट आई है। देश में आने वाली विदेशी मुद्रा और देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। चौथी तिमाही में ये गिरकर सिर्फ 30 करोड़ डॉलर रह गया है, जबकि तीसरी तिमाही में ये 710 करोड़ डॉलर था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बचत की दर को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आयकर समाप्त किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने काले धन को लाने के लिए कर पनाहगाहों में जमा कोष का राष्ट्रीयकरण करने का भी सुझाव दिया। स्वामी ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली चूंकि खुद वकील हैं, तो वह उन लोगों के अधिकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने काला धन विदेशों में जमा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटर पर 25 जून से प्रीमियम तत्काल कोटे की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल प्रीमियम तत्काल कोटे की बुकिंग IRCTC के माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन की जा सकती है। रेलवे बोर्ड के आदेश जारी होते ही रेलवे ने रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। करीब 2 साल पहले 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के तत्काल कोटे में से 50 सीटों को प्रीमियम तत्काल कोटे में डाल दिया था। इससे रेलवे का रेवेन्यू बढ़ा था, वहीं यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ लोगों को कर वसूली के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसकी संख्या अभी 5.3 करोड़ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कर अधिकारियों से यह भी कहा कि वे आम लोगों के मन से उत्पीड़न का डर खत्म कर और प्रशासन के 5 स्तंभों राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण रैपिड पर ध्यान देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। अच्छा सुनो, बुआ पैसे दें तो रख मत लेना, ओके? छुट्टी की झिकझिक करो। झिकझिक क्यों? पेटीएम करो। माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल भरो। पेटीएम कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा हूँ, क्या करो? मस्ती की टंकी फुल करो। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो।